सभी अपने अपने परिवार में भी, बड़े हो या छोटे हो, उनों के पालना के निमित्त भी आप सब सेवा करते। वास्तव में हम सब सेवा करने वाले सेवाधारी है। बड़े ते बड़ा एक आप हम सबका परम पिता परमात्मा है, बराबर। ऊंचे ते ऊंचा, बड़े ते बड़ा, महान ते महान कौन है? कौन है आप हम सबका? कौन? एक शिव परमात्मा, जिसके आप हम सब बच्चे हैं। और आप सब यहां जो पधारे हो, वो मूल इसी लक्ष्य से आप सबको बुलाया है। वह आप सब यहां पधारे हो कि ये शुभ हमारी भावना है कि आप हर एक पहले आप कौन है, शरीर के सब परिचय को जानते, परंतु वास्तव में ये यथार्थ परिचय मिलना जरूरी है कि हम हर एक अविनाशी आत्मा है। और हे आत्मा है ये जान लो, पहचान लो, याद करो कि हम सभी आत्माओं का पिता परम आत्मा है, जिसको हम सदा शिव कल्याणकारी बाबा कहते हैं। ये यथारत पहचान हर एक मनुष्य को मिलनी चाहिए। जब तक ये पहचान नहीं, तब तक जीवन में महानता नहीं। जीवन को अगर ऊंचा महान बनाना है तो इसी ज्ञान के आधार पर ही ये जानेंगे कि जो बाप के गुण है गाते हैं, को परमात्मा तुम सचित आनंद घन हो, प्यार के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, पर हम बच्चे जैसे बाप पर उसके ऐसे बच्चे हैं, या आप हो ऊंच ज्ञान के सागर, हम है नीच अज्ञान के? नहीं, हमें भी ऐसे अपने ऊंचे ते ऊंचे बाप के गुणों को, संस्कारों को जानना है और उसके अनुकूल अपनी जीवन पवित्र, शुद्ध, शांतिमय, आनंदमय, गुणोंमय, शक्तियोंमय बनाने है। जैसे अब हम देख भी रही हूं और आप सब जैसे आज के दिन जानते हो कि आज कहते हैं गणेश चतुर्थी है,
गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी अपने अपने कार्य में, धंधे में, समाज में अपनी भावनाओं से गणेश जी की पूजा करते करते आज का दिन विशेष है, उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा करते रखती करते, पर कभी ये सोचा है कि गणेश जी को कहते हैं कि वो शिव का बेटा था, ऐसे मान लंका का बेटा। अब वो तो पूजने है और हम कौन है, क्या ऐसी महानता उनके जीवन में है जो आज इतना सभी भारतवासी पूजन करते, व्रत नियम करते। तो ये एक जीवन से अपने हर एक सवाल पूछे, वो देवताएं इतने पूजनीय और उन देवों का पूजन हम करते, ये इतना पूजन का जो अंतर है अथवा उसी के लिए जो अपने को वंदना में कहते, कितनी उनकी महिमा गाते, पर कभी सोचा है कि हम भी मनुष्य आत्मा इतनी महान है जो हम भी इतने ऊंचे महिमा के योग्य बने, ऐसा सवाल कभी पूछा है अपने से? ये तो भक्ति किया, आराधना किया, लेकिन बस करने से खुश होते, या जो कहा ऐसा करना भी है, ऐसा मुझे भी होना है, बनना है, कभी ये टर्न करके सवाल पूछे? उनको वंदना करते और कभी खुद को भी, वो वंदना है लेकिन ये वंदना के रूप खुद भी बने हैं, कैसे बने, ये सवाल हरे को अपने से सोचना है। अभी एक गीत बज रहा था, ये जीवन की नैया कर दो, किसको किसको करो, प्रभु के हवाले, परंतु ये कहना सुनना बड़ा सहज है कि जीवन की नैया कर दो किसके हवाले, प्रभु के हवाले, या सारा बहु बेटे धंधा दोरी मेरे उसी के हवाले है या प्रभु के हवाले है? पूछो, ये जीवन की नैया किसके हवाले है, खाने पीने मौज करने के, बाल बच्चे धंधा दूरी इधर उधर, और क्या कहा लीडर बनना, कहा कुछ बनना, उसी के हवाले हमारा सवाल है। और सवाल के जवाब में कई अक्षर बोलती कि प्रभु के हवाले जीवन करो, तो आपकी जीवन महान से महान पावन पूजनीय हो जाएगी।
हमें ये खुशी से कहना होता कि हमने ये जीवन उसी बाप को, उसी शिव बाबा को, प्रभु को जरूर कर दी है, जिस करने से कितना हमें खुशी आनंद है ये देख आप सबको भी ये राय देंगे कि ये जीवन उनको हवाले करो तो आपके दुख दर्द पाप क्लेश सब मिट जाएंगे। तो ये सब पाप क्लेश मिटाना है या और उनको भर के जाना है, क्या करना है? क्या करना है? करना है, है इतनी शक्ति जो ये जीवन बाबा कर दो प्रभु हवाले, जैसे वो चाहे वैसे चलावे, परंतु आप उनको हवाले करो और ये जीवन को शुद्ध पवित्र बनाओ। तो ये पतित जीवन, विकारी जीवन, अशुद्ध जीवन, दुखी जीवन बदल के कहा निर्विकारी पावन शुद्ध जीवन बने, जिसमें ही अपार सुख है। इस जीवन से कभी रोना, कभी हंसना, कभी दुखी, कभी सुखी, कभी लड़ना, कभी झगड़ना, कभी कहा जाता है कब रोना कब हंसना, क्या ये जीवन है कि कब रोते कब हंसे? क्यों नहीं ऐसे जीवन बनाओ, सदा उनके आनंद में हंसो और मौज में रहो। ऐसी मौज की जीवन अगर अनुभव करना हो तो ये सहज ही सहज ये ज्ञान योग को धारण करो, अभ्यास करो, जानो पहचानो, आप खुद ही अनुभव करेंगे कल क्या जीवन, आज क्या जीवन, इसका महान अंतर पाएंगे। अथवा कहें हर एक ऐसे महावीर बनो, अथवा ऐसे महान बनो, हर एक समझे मैं स्वयं गणेश हूं। हो सकते हर एक स्वयं को ऐसा बुद्धिमान पूजनीय गणेश बन सकते हो अगर ये अभ्यास करो तो, है? ऐसा गणेश जैसा बन सकते। कितने देवताओं के पूजा होते, कोई हनुमान की पूजा करते, कोई गणेश जी की पूजा करते और कोई श्री राम की करते, कोई श्री कृष्ण की करते, कोई श्री लक्ष्मी की करेंगे, कोई श्री नारायण की करेंगे, लेकिन वो सब जो करेंगे वो अपने स्वार्थ के लिए। हे लक्ष्मी किस लिए पुकारेंगे? हे लक्ष्मी धन देवी तू मेरे पास धन लेके आना, बस ना। पर कभी ऐसे भी कहा कि नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, नारायण के लिए नर ऐसा करनी करे जो नारायण बने, ये भी गायन है। पर बनेंगे करनी से, बिना करनी के नहीं बनेंगे। इसलिए ये हमारी जो ज्ञान योग की शिक्षा मिलती है इस अभ्यास से, इस पढ़ाई से, हमारे लक्ष्य है
हम आप सब ऐसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बनो। अगर ऐसा बन जावे तो ये हमारा देश क्या बन जाएगा, सच्चा स्वर्ग वैकुंठ बन जावे। कहते हैं वो देता है वैकुंठ, वैकुंठ कोई ऊपर सिर्फ नहीं है, वैकुंठ तो उस धरनी पर है। हम बनेंगे, हम वैकुंठ यहाँ बनाए, परंतु है उसमें छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने में परिवर्तन करना है। अभी है संकल्प विचार, खाना पीना आहार विहार व्यवहार जीवन में चाल चलन आदि, ये सारी है देह अभिमान ईगो के बस, जिसके कारण पांचों विकार आते। इन पांचों विकारों को हम नाम देते रावण, रावण माना ही ये विकार, ये दस शीश दिखाते हैं ना। तो ये है कंबाइंड नर नारी का सूचक, कहते हैं ये दस शीश जो है पांच विकार नारी के पांच विकार नर के, ये टोटल दस शीश रख के रावण डीटी है या देविल कहेंगे उसको, क्या मानते डीटी या देविल? असुर कहते ना रावण को, असुर कहते हैं। इसलिए इन ये जो विकारों रूपी सर पर रखे हुए है शीश, उनको खत्म करना है और अपनी जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी, आठवा श्री लक्ष्मी नारायण जैसी बनानी है। अथवा अभी अभी नजदीक में भारतवासियों का हम सबका बहुत बहुत लवली श्री कृष्ण जयंती मनाई, एक दिन मनाई, छह दिन मनाई बस ना, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मनाई तो सही और गुण गया हे श्री कृष्ण। हाँ महिमा गाते हो बहुत, हम सुनते हो तू सर्व गुण संपन्न है और मैं सर्व अवगुण संपन्न हूँ। अरे कितना फर्क से बोलते, तू तो सर्व गुण संपन्न और मैं सर्व, कभी ऐसा भी सोचा मैं भी तेरे समान बनू या नहीं? तू सर्व और हम सर्व अवगुण संपन्न, यही जीवन है, इसको जीवन कहते, इसको हीरा तुल्य कहते नहीं। इसलिए हम आप सबको बार बार एक ही बात कहती हूँ, हे मेरे भाई बहनों, हाँ मैं मेरे कहती हूँ, आप कहेंगे दादी मेरा क्यों कहती, क्यों नहीं कहूँ, आप हमारे नहीं हो, पराए हो, प्रभु के बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो, तो ईश्वर मेरा है या तेरा भी है, वो सभी का है ना, ईश्वर सभी का है ना, या मेरा है आपका नहीं है, या आपका है मेरा नहीं है, वो सर्वे सबका है ना। बोलो पीछे वाले भाई, ईश्वर सबका है ना, तो जब वो सबका है हम उनके हैं, तो आप भी उनके हुए तो हमारे, हम आपके आप हमारे हुए ना, या दूर हुए है? बोलो आप ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारा है, या कहेंगे हमारा है आपका नहीं है, या कहेंगे आपका भी है हमारा भी है, दोनों का है, दोनों का है ना, सबका है ना। तो जो सबका पिता
उनके हम सब बच्चे तो सब अपने हैं। इसलिए अपने भाई बहनों को देख कहते कि आओ हम सब मिल करके, हर समाज वाले को ये बात कहते कि आओ हम सब मिल करके अपने भी जीवन को स्व परिवर्तन करे। जब स्व परिवर्तन हो तभी समाज परिवर्तन हो, तब देश परिवर्तन हो, तब विश्व परिवर्तन हो, पर पहले स्व को करना होता है। आप कई बार देखा होगा, हम देखती हूँ कोई भी काम बार होंगी यूं अंगुली उठाएंगे, परंतु अंगुली एक दूसरे को देते और चार अंगुली अपने पास रखते तो ये बताते हैं कि चार गुना अपने को देखो, एक गुना दूसरे को देखो। करते सभी है पर देखते ऐसे नहीं है। तो हमें बहुत खुशी है कि आप सब यहाँ चारों तरफ से भारत के आए हुए हैं, और दो दिन से तीन दिन से सब ये बातें सुन भी रहे हैं। भले नाम दिया है व्यसन मुक्त, यही नाम है ना, हाँ तम्बाकू कहो व्यसन, हम सब कहते तम्बाकू नहीं, टोटल सभी जो भी ऐसी तम्बाकू जैसी अथवा जो भी ऐसे व्यसन सेवन करते उन सभी से मुक्त बनो। मुक्ति जीवन मुक्ति अच्छी या दुख में संसार की जीवन में जीवन बंध अच्छा, जीवन बंधन बनाओ, दुनिया के चारों तरफ जंजीरों में फंसो या जीवन मुक्त बने, क्या अच्छा? सभी की क्या इच्छा है, जीवन बंधन में पड़े रहे या जीवन मुक्त बने? कभी आप लोग गाते हो पंछी कैसे उड़कर आसमान में घूमते, कभी अनुभव किया है कि हम भी ऐसी आत्मा बन उड़ के जावे इन बंधनों से? आत्मा उड़ सकती जब इन बंधनों से मुक्त हो। तो आप सभी ये आश्री जीवन के जो आहार विहार व्यवहार है उन सब से अपने को मुक्त करो। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोग